स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हमारे पास कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और अगर आप और अच्छे से देखो तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं माइनस ऑफ और ये माइनस अगर मैं यहां भेज दूं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब कि मैंने साइन को चेंज कर दिया, इसको माइनस बनाया तो ये पहले हो गया और ये बाद में हो गया, समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो बस थीटा की जगह पे क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं माइनस कॉस 2 थीटा के जगह पे एक्स स्क्वायर, समझ में आया कहां से आया, आप यहां से देख सकते हो। ओके तो ये है हमारा क्वेश्चन, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी चलेगा लेकिन मैंने ऐसा कर दिया। अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x स्क्वायर। अब देखो यहां पे देखो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों तो क्या है सेम है, लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर ये अलग अलग है। ये अलग क्यों है, क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर है और ये तो होल स्क्वायर है। ओके तो ये यहां पे एंगल का स्क्वायर वाला है हाँ टर्म, तो इसके लिए हम डायरेक्ट कॉस एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस साइन एक्स के जगह पे क्या है 2x स्क्वायर, और एक्स के जगह पे कुछ और है इसके लिए उसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब आगे चलो तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो ये हो गया साइन 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ, देखो 2 तो बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, मैं इसको ब्रैकेट रखता हूँ एंगल है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 2 जा तो ये हो जाएगा 4x sin 2x स्क्वायर, ये होगा हमारा dy बाय dx, समझा समझा लिखो। चलो 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, कंसीडर y इक्वल्स टू log x, अरे कितने बार ब्रैकेट है, हाँ इसका होल स्क्वायर, ठीक है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स, और यहां पे देखो इतने सारे में ये सारे के सारे चीटा बन के बैठे हैं, जिनके जगह पे होना तो क्या चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्मूला है ये, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x की जगह वो नहीं टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 टाइम्स, अरे ब्लैक 2 टाइम्स जो भी है log x, समझा। अब x की जगह जिसने ली थी किसने ली थी, इसने ली थी, उसको ही मैं वापस यहां पे लाके डेरिवेटिव ले लूंगा, डेरिवेटिव ऑफ log of ये इधर ले लेता हूं, ये परेशान कर रहा है log x, ये हो गया हमारा, समझ में आया पक्का पक्का समझ में आया। चलो आगे की स्टेप देखो, टू टाइम्स इसको तो ऐसे ही लिखना है log of log x इंटू, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ अंदर क्या होना चाहिए था, अब चीटा बन के कौन बैठा है ये पूरा का पूरा, तो डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है 1/x, तो ये 1/x की जगह पे कौन चीटा है, log
लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब जो चीटा बना है उसका डेरिवेटिव लो, देखो चीटा कौन है, लॉग ऑफ लॉग एक्स की सिर्फ लॉग एक्स। लॉग हाँ देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, हाँ इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जो जो जिस जो अंडरलाइन की है वो पूरा का पूरा चीटा है, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जो एक्स करेगा वो उतना तो लेना पड़ेगा। आगे चलो, मैं इसको गायब कर देता हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो, तो ये तो हो जाएगा ऐसे का ऐसे लिख दिया, टू टाइम्स लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, कंप्लीट हो गया। और इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ, अंदर क्या बन बैठ गया, लॉग एक्स बन गया वापस। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, वन अपॉन, देखो चीटा बन के ये बैठा है तो वन अपॉन लॉग एक्स। अब डेरिवेटिव, अब चीटा बन के जो बैठा है उसका वापस हमको क्या लेना पड़ेगा, मतलब किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लॉग ऑफ एक्स का। बोलो, ये नहीं समझा? समझा कुछ नहीं है, चैन रूल ही यूज कर रहे। देखो तीन चार बार चैन रूल यूज किया। चलो आगे चलो, फाइनल आंसर लिखते हुए, टू टाइम्स लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, सही है, इनटू अपॉन, सॉरी अपॉन, ये वाले लॉग एक्स को मैं पहले लिखता हूं, तो लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स खत्म। हो गया। अब इसको हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा टू लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन, वो पहला एक्स लिखा मैंने, एक्स लॉग एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। समझा? ये हमारा होगा आंसर, लिखिए। 14th क्वेश्चन होमवर्क है ये वाला, ठीक है, ये होमवर्क करना है आपको। और उसके बाद में 11th क्वेश्चन होमवर्क है, देखो टेन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, तो देखो टेन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, तो पहले टेन में लगा दिया सेक स्क्वायर, फिर उसके अंदर कौन आ गया कॉस, तो कॉस का माइनस साइन, फिर उसके अंदर आ गया साइन, तो साइन का कॉस हो गया। तीन बार चैन रूल, खत्म हो गया ना, खत्म हो गया कि नहीं? हाँ। उसके बाद में देखते हैं, और 11th हो गया, 12th सेक ऑफ टेन ऑफ एक्स पावर 4 + 4, वैसा ही है, सेम है ना, तो सेक का पहले हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब एक्स नहीं होगा अंदर जो है फंक्शन वो, फिर टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर, फिर टेन के अंदर कौन है एक्स पावर 4 + 4, तो उसका डेरिवेटिव। तो तीन बार चेन रूल, तीन बार चेन रूल। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, पहले तीन वीडियोस देखो। हाँ पहले तीन वीडियोस देखो, आराम से कर लोगे। कौन सा क्वेश्चन? 12th वाला। हमने इससे भी अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं। और ये तीन हो गया होमवर्क, बाकी तो हमने कर ही लिया। देखो हमने ये क्वेश्चन किया, ये भी किया, लॉग भी हो गया, एंड वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये वाला भी एक होमवर्क है, लॉग ऑफ सेक ऑफ पी पावर एक्स स्क्वायर। हाँ ये वाला ट्राई करो, अगर नहीं आए तो मैं करा दूंगा, ठीक है, 15th वाला। और देखो हम ये करेंगे अभी, ये करेंगे दो, कौन सा, एट, सारे हो गए, सिर्फ ये बाकी है और ये बाकी है, दो ही बाकी है ना, टेंथ टेंथ भी बाकी है, अच्छा टेंथ भी बाकी है। चलो ठीक है, ये तीन क्वेश्चन बचे हैं, तीन करते हैं, तीन के बाद छोड़ूंगा, ठीक है, तीन क्वेश्चन के बाद छोड़ देंगे। 16th क्वेश्चन देखो, कंसीडर, ये लिखना ही है, हाँ ऐसा क्यों लिखना है, बिकॉज इन्होंने पहले ऐसे नहीं दिया है y इक्वल्स टू, कई क्वेश्चंस में y इक्वल्स टू दिया होता है, कई में नहीं दिया होता है, तो हमको मानना पड़ता है। तो कंसीडर
वाई इक्वल्स टू, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, लॉग ई स्क्वायर, मतलब बेस है वो, हाँ लॉग टू दी बेस ई स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स। ये जो है ये क्या है, बेस में है, समझ में आ रहा है ना, लॉग के अंदर जो बेस होता है वो ई स्क्वायर है। तो ये कैसा हो गया, ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको चीटा मानो एक्स, हाँ तो कैसा फॉर्मूला है ये, लॉग एक्स टू दी बेस ई स्क्वायर मीन्स बेस ए। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू दी बेस ए, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू दी बेस ए, वन अपॉन एक्स लॉग ए, ठीक है, लॉग एक्स टू दी बेस ई जब होता है तो वन अपॉन एक्स होता है, लेकिन अगर ए आ जाए तो वन अपॉन एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है और अब हम इसको अब सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग, चीटा बन के कौन बैठा है, लॉग एक्स बैठा है, और बेस क्या है ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स के, कहा एक्स के जगह पे कौन बैठा है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स, और देखो क्या आएगा, लॉग ए होता है, मतलब लॉग ई स्क्वायर, ये समझा आपको, देखो अच्छे से समझो इसको, क्या किया है मैंने, वन अपॉन एक्स लॉग ए ही यूज किया है, लेकिन एक्स के जगह पे कौन आ गया है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे एक्स के जगह पे इसमें क्या दिख रहा है, लॉग एक्स दिख रहा है, समझ में आया ना। चलो आगे और एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, जो आ गया है उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसका होगा, लॉग एक्स का, किसका होगा, लॉग एक्स का, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय, जो लॉग ई स्क्वायर है इसके पावर में टू है ना, वो टू वो जम करके आ सकता है मंकी लॉ, और ये हो जाएगा टू लॉग ई, समझ में आया ये, मैंने दिया है पावर रूल, पावर रूल बोल सकते हो, ओके ओके, टू लॉग ई डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ओके। अब देखो क्या बचेगा, ये हो गया वन अपॉन एक्स को पहले लिख दिया, फिर लॉग एक्स आ गया, अब मुझे बताओ ये टू आ गया इनटू, और लॉग ई इसका बेस क्या होगा, कुछ नहीं है मतलब, हाँ देख लॉग बी टू दी बेस बी क्या होता है, अब देखो ई है और इसका बेस नहीं दिया है, मतलब क्या होगा, ई होगा, इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, वन। और फाइनल आंसर लिखते हो, हम लिखेंगे वन अपॉन टू एक्स लॉग एक्स, और ये होगा हमारा आंसर। समझ में आया, समझ में आया, कौन सा स्टेप स्टार्टिंग, देखो भाई ये लॉग एक्स एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब यहां पे जो चीटा है ये है, और इसका बेस भी कुछ और है, तो हमको क्या पता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू दी बेस ए का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स लॉग ए, समझ में आया। अब ये जो एक्स है उसके जगह पे ये है, अब इसको ध्यान से देखना, तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, तो वन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लॉग जो होता है वो वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन क्या आ गया एक्स, समझ में आ रहा है, लॉग एक्स होता तो वन अपॉन एक्स आता, तो लेकिन एक्स तो है नहीं, उसके उसके जगह पे क्या है, लॉग एक्स है, तो जो है वही डिनोमिनेटर में आ गया वन अपॉन इंटू लॉग ए, लॉग ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, ई स्क्वायर कर रहा है, समझ में आया, इसके लिए लॉग में क्या आ गया ई स्क्वायर, ओके। और जो एक्स के जगह पे चीटा बन के बैठा है वो लॉग एक्स है, इसके लिए उसका हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ रहा है, बस यही है और कुछ नहीं है, समझ में आया, लिखो स्टार्ट कर रहा हूं। 13th क्वेश्चन देखो क्या है, ई पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हम 13th क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्यूशन
कंसीडर, ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू e पावर लॉग ऑफ क्या है, ब्रैकेट में लॉग x का होल स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर। अब यहां पे भी एक बात बताना चाहूंगा मैं, मुझे बताओ लॉग x स्क्वायर और लॉग x स्क्वायर दोनों भी अलग अलग या सेम? अलग दोनों भी अलग अलग या सेम? अलग एक ही आंसर आ रहा है, अलग अलग की सेम? अलग एंगल नहीं है, लॉग के अंदर एंगल नहीं होता एक्चुअली, ये लॉग के अंदर का स्क्वायर है और ये लॉग का कंप्लीट स्क्वायर है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैं इस पे मंकी लॉ लगा सकता हूं, लेकिन इस पे मंकी लॉ क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है, समझ में आया डिफरेंस? इसमें मंकी लॉ नहीं लगेगा, इसमें मंकी लॉ लग सकता है, ये याद रखना है आपको। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं, दोनों अलग अलग है। हाँ अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। अब अगर आपने, आपको अगर याद हो मैंने बताया था ए पावर लॉग एक्स टू दी बेस ए को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, इतनी सारी चीजें हमको सिर्फ हैरान करने के लिए लिखी है, तो यहां पे भी आपकी बुद्धि चलनी चाहिए और यहां पे भी आपको दिखना चाहिए ये समथिंग ऐसा है। ई पावर लॉग बेस नहीं लिखा मतलब ई है और इतना सारा, तो क्या आएगा इस सिंप्लीफाइड वर्जन, क्या आएगा बताओ? लॉग एक्स द होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। अब जिसको नहीं पता है वो भाई साहब पागल हो जाएगा, इसमें इतना बड़ा डिफरेंस है, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कुछ नहीं है, मतलब बेस क्या होगा, ई होगा, और हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ए पावर लॉग एक्स टू द बेस इज एक्स। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इसको हम देखो, अभी हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने क्या कर दिया, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू लॉग एक्स। समझ में आया, अरे बाद में लिखो ना। अब इसको क्या कर दें, अब इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और मुझे बताओ इसका क्या आएगा, ये चीटा स्क्वायर, टू टाइम्स चीटा मीन्स टू टाइम्स लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ चीटा मीन्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस टू टाइम्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स किसको डेरिवेटिव, हाँ तो नहीं ना, ये देखो ने ऐसे ही रख दिया ना, और इसका तो डेरिवेटिव करना ही था, ये तो सेपरेटेड था। ओके, टू टाइम्स लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स। नहीं समझ रहा है, अरे समझ रहा है कि नहीं, तो ये तो हो जाएगा टू टाइम्स लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन, क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? यस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक्स आ गया और ऊपर आएगा टू लॉग एक्स माइनस कैंसल, कौन सा लॉजिक लगा रही हो? अरे लॉग एक्स है ना, टू एम माइनस टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा क्या? फिर लिखो 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 लिखो, तो ये जो फाइनल क्वेश्चन मैंने जो आपको क्लास वर्क दिया था ये भी देख लो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये देखो ये कॉस स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हो कॉस जो भी है उसका होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, फिर अंदर फिर लॉग है, फिर उसका चेन रूल लगाना, फिर इसके अंदर चेन रूल लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जितने भी होमवर्क दिया एक बार आपसे चेक करवा लूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में बाय।